नमस्ते सदावसले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। चाइना की इंटेंशन अब आप सबको समझ लेनी चाहिए कि वो जासूसी करने पर उतरा है, और ऐसा पहला मामला नहीं है जब चाइना ने भारत की जासूसी की है। अभी जो कल ही बंदा पकड़ा गया है, जिसके बारे में अपडेट में भी मैंने बताया था कि ये चाइनीज नागरिक अवैध तरीके से भारत में घुस गया था, लेकिन जब जाँच की गई तो खुलासा बड़ा हुआ है। इस चाइनीज नागरिक के पास कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिले हैं, और ऐसा पता चला कि ये चाइना की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। एक्चुअली इसे पकड़ा भी किस तरीके से गया, जब ये बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था तब बीएसएफ ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये वहां से भागने लगा। उसके बाद जब इसे पकड़ा गया, इससे पूछताछ की गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां पर हमारे जो बीएसएफ के अधिकारी थे उनको ये आई कि ये बंदा इंग्लिश भी नहीं जानता था। तो ऐसे में चाइनीज ट्रांसलेटर को बुलाया गया और इससे पूछताछ की गई। बता दें कि ये बांग्लादेश में 8 जून को पहुंचा था, उसके बाद इसने भारत में एंट्री करने की कोशिश की। हालांकि पूछताछ के बाद ये बात सामने आई है कि ये चाइनीज कई बार भारत आ चुका है, और 2010 में हैदराबाद और 2019 में करीबन 3 बार दिल्ली और गुरुग्राम गया था। और पूछताछ में ये भी पता चला कि बांग्लादेश और नेपाल में उसने अपने वीजा का प्रबंधन किया था ताकि वो भारत आ सके। इस घुसपैठिए से लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, 1 बांग्लादेशी सिम कार्ड, 1 भारतीय सिम कार्ड, 2 चीनी सिम कार्ड और 2 पेन ड्राइव, इसके अलावा 3 बैटरी, 2 छोटी टॉर्च लाइट और 5 मनी ट्रांजेक्शन मशीन के साथ साथ 2 ATM और मास्टर कार्ड मिले हैं। चीन की भारत में जासूसी करने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएमओ की और बड़े दफ्तरों में सेंध लगाने की कोशिश चाइना के जासूसों ने की थी। अभी 2 साल पहले ही जासूसी के मामले में पकड़ी गई चाइनीज युवती क्वीन से पूछताछ की गई, तो उससे चीन के जासूसी नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा भी हुआ। जांच एजेंसियों को इस बात का पता चला कि चाइना ने अपनी जासूसी टीम पीओमओ सहित कई बड़े कार्यालयों की आंतरिक जानकारी देने के लिए लगा रखी थी। चीन ने अपने इन जासूसों से ग्रेडिंग के हिसाब से जानकारी के लिए कहा था, यानी कि किस बड़े कार्यालय पर कौन सबसे बड़ा अधिकारी है और वो कितना प्रभावशाली है। और ये जो खुफिया जानकारी थी वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर और उनकी पत्नी मिसेज डिंग और मिस्टर चाओ को भेजने थे। दोस्तों आपको बता दें कि उस समय दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पत्रकार राजीव शर्मा समेत चीनी युवती और उनके एक नेपाली साथी शेर बहादुर को गिरफ्तार किया था। हालांकि इन तीनों को तिहाड़ जेल में रख दिया गया है। दोस्तों चाइना की जासूसी से अब केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और रशिया भी परेशान है। चीन ने अमेरिका में भी अपने जासूसों को भेजा, वो भी किस तरीके से कि वो अमेरिका में पढ़ाई करें और उस बहाने से जानकारी जुटा सके। पिछले साल अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में एक चीनी नागरिक की गिरफ्तारी हुई, जिस पर व्यापार से जुड़ी गुप्त जानकारियां चुराने का आरोप लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये चीनी जासूस एक शोधकर्ता के तौर पर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और जब ये देश छोड़कर भाग रहा था तो उसे पकड़ लिया गया और उसने अमेरिका के व्यापार सीक्रेट्स को चोरी किया, और इन सभी जानकारियों को वो अपने पर्सनल कंप्यूटर में चुपचाप अपलोड कर रहा था, और इसे शिकागो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। यानी कि चाइना अमेरिका के जो व्यापार के सीक्रेट्स जो हैं उनको लीक कर रहा था और उसे अपने देश में पहुंचाने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका का व्यापार किस तरीके से चलता है, उसके क्या पॉइंट्स हैं, कौन सी सीक्रेट्स हैं जिनके इस्तेमाल से अमेरिका एक बड़ा शक्तिशाली आर्थिक देश बना हुआ है। यानी कि यहाँ से भी चाइना की कोशिश थी कि वो इस व्यापार सीक्रेट को, यानी कि इस ट्रेड सीक्रेट को चोरी करके उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। वहीं दूसरी तरफ रशिया में चाइना की सेंधमारी का भी एक बड़ा खुलासा हुआ, जब रशिया ने चाइना के जासूस को पकड़ा। ये 2011 की बात है, जब रशिया ने चीन के जासूस को तब गिरफ्तार किया जब वो S-300 मिसाइल प्रणाली की जो दस्तावेज थे उन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इस चाइनीज जासूस से जब रशिया ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वो चीन की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। यहाँ पर भी चाइना के जासूसों ने S-300 की तकनीक जानने की कोशिश की ताकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने इसी तरीके के डिफेंस सिस्टम्स को बना सके। तो यहाँ पर भी रशिया को भी एक बड़ा झटका चाइना की तरफ से मिला। अब बात आती है चाइना के जासूसी नेटवर्क की। चीन की कई कंपनियां भारत पर नजर रख रही हैं। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री से लेकर बड़े मंत्री और ऑफिसरों तक का डिजिटल डेटा कलेक्ट किया गया है। चीन की कंपनी ये डेटा कलेक्ट कर अपनी सरकार को भेजती है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि चीन की झेंझुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करीबन 10,000 भारतीयों का डेटा इकट्ठा कर रहा है। इसमें सोशल मीडिया की हरकतों से लेकर लाइक और कमेंट तक और भारतीयों की उपस्थिति फेसबुक पर, उन सब की जानकारी हासिल की जा रही थी। चाइनीज इंटेलिजेंस के लिए काम करने का दावा करने वाली ये कंपनी दूसरे देशों के लोगों पर नजर रखती है। इसमें राजनीति, सरकार, टेक्नोलॉजी, मीडिया, फिल्म समेत कई अन्य क्षेत्र के लोगों और स्थान और जगहों की जानकारी ली जाती है। इसके तहत झिंझुआ कंपनी किसी भी व्यक्ति का डिजिटल फुटप्रिंट फॉलो करती है। इससे चाइना अपने आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डेटा
इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी को तैयार करता है और इस डेटा में सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चीजें ही नहीं होती बल्कि सभी कागजात, कौन कहां शामिल हो रहा है, कौन किसे हायर कर रहा है, इन सभी बातों को नोटिस किया जाता है। यानी कि इस कंपनी का काम किसी भी व्यक्ति का पूरा डेटाबेस तैयार कर चाइना की सरकार और उनकी एजेंसियों को सौंपना है। इस खुलासे से ये बात तो साफ हो गई है कि चीन सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि साइबर की दुनिया पर भी एक जंग लड़ रहा है। इसे वो हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जो चाइना की सेना यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा तैयार की गई एक नई रणनीति है। ऐसे में चाइना ने अपना फोकस मिलिट्री के अलावा आम आदमी को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है जिसके तहत दूसरे देशों के लोगों पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। चीन की ओर से ऐसी नीति का इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि जैसे मैंने बताया अमेरिका और रशिया में भी वो कर रहा है। भारत ने हाल ही में कई चीनी ऐप बैन किए हैं लेकिन ये हाइब्रिड साइबर वॉर भारत के लिए एक अलग ही खतरा है जो चाइना को खुली छूट देता है कि किसी देश की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक ढांचे में घुसकर उसे प्रभावित किया जाए और उसका इस्तेमाल अपने लिए किया जा सके। तो चाइना का ये पूरा का पूरा सिनेरियो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसने भारत की जासूसी करने के लिए एक चीनी नागरिक को बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजा। उसके पास कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिले, सिम कार्ड्स मिले और यही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां सोई हुई थी जब वो 2 से 3 बार भारत आ चुका है और यहाँ पर बाकायदा रह चुका है। तो ऐसे में क्या क्या जानकारी इस बंदे ने दी होगी ये अब जांच का विषय है। लेकिन इंटेंशन क्लियर है चाइना की कि वो अब देश के अंदर घुस रहा है। अमेरिका से तो वो ट्रेड से जुड़े सीक्रेट्स चुराना चाहता है, साथ ही हथियार प्रणाली की जानकारी चुराना चाहता है, तो रशिया से भी वो हथियार प्रणालियों के बारे में जो सीक्रेट्स हैं उन्हें चुराना चाहता है। और भारत की जहां तक बात आती है तो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की जुगत में लगा है चाइना। यही नहीं, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन देना चाहता है वो हमारे सीक्रेट्स की अपनी सरकार को। यानी कि चाइना का पूरा सिनेरियो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्लान इन लोगों का चल रहा है और इस पर अब लगाम लगाने की बेहद ज़रूरत है। इसीलिए कोई भी चाइनीज़ भारत आता है तो उसकी कड़ी पूछताछ की जानी चाहिए, उस पर पूरी नज़र रखनी चाहिए कि वो क्या करता है, कहां जाता है, किस लिए आया है। यानी दोस्तों हमारे देश में भी जयचंदों की कमी नहीं है, इन जयचंदों से भी देश को बचाना है जो कि कुछ पैसों के लिए देश की जानकारियां इन लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो अब भारत के लिए आईएसआई इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा चाइना है। आपको क्या लगता है किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है इन लोगों के ऊपर, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।